ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, आप तय कर लीजिए कि आप किस ओर खड़ा होना चाहते हैं। जो लोग अपनों को खोते हैं, जिन्होंने नफरत में जलते हुए घर और गांव देखे हैं, वो जानते हैं कि धर्म की राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग कितने खतरनाक होते हैं। ये इतिहास उनको याद है और वही इतिहास भाजपा बंगाल में आकर के दोहराना चाहती है। कह रही है जय श्री राम। अरे बोलिए ना भाई, कोई जय श्री राम बोले, कोई जय सिया राम बोले, लेकिन ये धरती खुदी राम की थी, है और रहेगी। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि इस देश की आजादी को बचाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने एक साथ जान गवाई थी, एक साथ शहादत दी थी। उस विरासत को यह जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और यह जो तमाम चीजें आपके इर्द गिर्द हो रहा है, उसके प्रति आपको प्रजा की तरह नहीं, एक नागरिक की तरह सोचना पड़ेगा। मन में आपके एक बार यह विचार आना चाहिए कि किसका पैसा है जो पानी की तरह चुनाव में बहाया जा रहा है, यह किसका पैसा है। आपको यह बात सोचना चाहिए कि जब तूफान आता है, अम्फन तूफान आया था ना, तब तो हेलीकॉप्टर लेकर के नहीं घूम रहे थे कैलाश विजयवर्गीय, घूम रहे थे क्या? जब लॉकडाउन में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तब तो कोई नहीं खाना बांट रहा था। इस देश के भीतर जब आम लोग अपनी समस्याओं में जूझ रहे होते हैं, तब तो कोई नहीं आता है पूछने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसके पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप हमको सोच करके बताइए कि कोई सरकार हो सकती है कि आपकी अपेक्षाओं पे खड़ी ना हुई हो, हो सकता है कि किसी सरकार के प्रति आपके मन में शिकायत हो, लेकिन आप अपनी कमाई से शांति से अपने घर में जो खाना खाते हैं, कोई सरकार ऐसी चुन करके आए जो खाना भी ना दे, काम भी ना दे और आपका सुख चैन छीन ले, ऐसी सरकार को आप इस राज्य में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, इसका विचार आपको करना पड़ेगा। और जिनको लगता है कि वाम फ्रंट का सरकार देख लिए, दीदी का सरकार देख लिए, एक बार भाजपा को भी देख लेते हैं, नया पार्टी है, फेरन लवली है, पिछला वाला फेरन लवली से मुंह गोड़ा नहीं हुआ था तो अभी फेरन लवली प्लस खरीद लेते हैं, कैसी बात है ये। मैं बिहार से आता हूं, 2005 से भाजपा सरकार में है, क्या बदल गया है बिहार का हमको जरा बताइए। कितना एम्स खुल गया है, कितना आईआईटी खुल गया है, कितना जो है बहाली जो होती है नौजवानों की, एसएससी की बहाली कितनी रेगुलर हो गई है, कितने नए उद्योग खुले हैं, कितनी नई सड़कें बन गई है, कुछ नहीं। ये कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, हम विकास का गंगा बहाएंगे। हाँ, आप बहा रहे हैं ना मध्य प्रदेश में विकास का गंगा, पूरे देश में तो आप ही की सरकार है ना, कहां है विकास की गंगा? हम भी विकास को ढूंढ रहे हैं, विकास वैसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है। मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा चीज बीजेपी के आ जाने के बाद होगा जो पहले नहीं हो रहा था, ऐसी कौन सी बात हो जाएगी? ये बात आखिर बोला क्यों जा रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है, इस साजिश को आप समझिए। वो आकर के ये बात नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि हम बंगाल में विकास कैसे करेंगे, वो हम धर्म कैसे मानेंगे, हम पूजा कैसे करेंगे, हम उपासना कैसे करेंगे, इस पे आकर के ज्ञान देते हैं। सुनो, भगवान हमारे भक्त हम उनके, तुम कौन हो बीच में भाई? हमको कौन भगवान का कैसे पूजा करना है, हमको सजदे में कैसे सर झुकाना है, ये तुम तय करोगे। सरकार का काम लोग धर्म को का कैसे पालन करेंगे ये बताना थोड़ी होता है। सरकार का काम होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमको सुरक्षा दीजिए, आप हमको नौकरी दीजिए, आप हमको सड़क दीजिए, आप हमको बिजली दीजिए, आप हमको पानी दीजिए,
सरकार का काम यह होता है ना, आजकल नया भाषण देना शुरू किए हैं, बोल रहे हैं कि जीत करके आएंगे तो नवन्ना से वापस जो है सेक्रेटेरिएट को राइटर बिल्डिंग में लेकर के जाएंगे, आप चांद पे लेके चले जाइए, मंगल ग्रह पे लेके चले जाइए, उससे क्या होगा, सेक्रेटेरिएट को आप नवन्ना ले जाएं कि राइटर ले जाएं, अगर उस सेक्रेटेरिएट में बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की भर्तियां नहीं निकलती है तो वो सेक्रेटेरिएट हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि असली सवालों को गुमराह क्यों किया जाता है, क्यों भटकाया जाता है, और भटकाने के लिए बढ़िया बढ़िया कैमरा और बढ़िया बढ़िया गेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं पटना से आ रहा हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा कि मोदी जी दाढ़ी बढ़ाए हैं इसका क्या राज है। हम बोले सुनो, मोदी जी दाढ़ी बढ़ा लें कि चूल कटवा लें कि उसको जो है ललका रंग से रंगवा लें कि हरियरका रंग से रंगवा लें, उससे हमको क्या लेना देना है, उनका दाढ़ी है उनका बाल है, मन है तो बढ़ा लें मन है तो कटा लें, इससे हमको क्या लेना देना है। तो आप उनकी दाढ़ी का बंगाल चुनाव पे कोई इम्पैक्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं। हमने भारी बुड़वक आदमी है जी, मैंने बंगाल के लोगों को इतना समझ नहीं है क्या कि वो किसी का दाढ़ी देख करके वोट दे देगा। हम ऐसे ही उस पत्रकार को डांट रहे थे और हमको पता नहीं था कि इस गेटअप का सचमुच में कोई मतलब है। जब हम आए कलकत्ता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हर तरफ जो है मोदी जी अभिनय करते हुए नजर आए, जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हर पोस्टर पे जो है कहीं हाथ जोड़ के खड़ा है, कहीं आसमान में उंगली दिखा रहे हैं। तो हमको लगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे करके बंगाल चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गए हैं क्या। हर जगह उनका फोटो दिख रहा था। तो हम पूछे उनको, तो जो है एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ए महाराज शुभ शुभ बोलिए, शेरू दिल्ली में बैठा हुआ है तो उसको पालने के चक्कर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसको यहाँ बंगाल भेज दीजिएगा तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, और ऊपर से वो कोबड़ा अलग से आ गए हैं। मैंने ये जो नेता लोग है ऐसा लगता है जैसे चिड़िया खाना में रहता हो, कोई शेर बन रहा है कोई कोबड़ा बन रहा है और कोई सियार तो है ही रंगा हुआ। मैंने सियार रंगा हुआ इस तरीके से है कि शाम तक दीदी का आंचल पकड़े हुए था, नहीं दीदी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, रात में इनकम टैक्स से फोन आया और भोरे मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गए। देखिए एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है, पूरा देश आपको देख रहा है, और हम लोग तो बिहार के लोग हैं, अपने आप को जब भी गौरवान्वित करने का मन होता है तो कह देते हैं कि बिहार तो बंगाल का ही पार्ट था ना। आपके ऊपर हमसे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है, बिहार में हम लोग ले 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 करके इस बार जो है ना ऑलमोस्ट हराने तक पहुंचा दिए थे। आप लोग जो है प्रबुद्ध लोग हैं, आपके पास जो है एक स्वर्णिम इतिहास है, हम उम्मीद करते हैं और हमारी तरह पूरा देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि कुछ भी हो जाए किसी भी सूरत में इस देश के भीतर लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने वाली शक्तियों को सत्ता में नहीं आने दिया जाए, ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मन से नहीं बोल रहे हैं, पक्का एकदम। लेकिन जब आप वोट देने जाइएगा ना तो मन में एक दुविधा रहेगी, हम बता देते हैं आपको। जब हम जेएनयू में चुनाव लड़ रहे थे तो हम जिसको भी वोट मांगते थे ना तो बोला भाषण बहुत अच्छा था, आदमी भी तुम बहुत अच्छा हो, लेकिन वोट तुमको दे देंगे ना तो ये भी जीत जाएगा। एक बार सुने, दो बार सुने, 5 बार सुने, 10 बार सुने, तब हम बोले अच्छा सुनो, एक आदमी जब बोला ना कि वोट तुमको देंगे ना तो एबीवीपी जीत जाएगा, तो हम कहे सुनो वोट हमको दोगे तो एबीवीपी कैसे जीत जाएगा।
साइकट को भी ये बात सुनने को मिलता होगा, लोग पक्का कहता होगा, देखो तुम हो तो नौजवान, जोश भी है तुम्हारे अंदर, और इस बिकने के जमाने में जब सब कुछ बिक रहा हो, रेलवे बिक रहा हो, LIC बिक रहा हो, बैंक बिक रहा हो, डाकखाना बिक रहा हो, जब सब कुछ बिक रहा हो, उस जमाने में ईमान को नहीं बेचने देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसका ईमान ऑन सेल नहीं है। इस जमाने में ये लाल झंडा पकड़ करके जहां बड़ी मुश्किल से जो है जगह मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल पार्टी को कि आपने नौजवानों को मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। मौका मिला है और ये लड़ रहा है। कई जगह इसको जाकर के लोग यही कहते हैं कि नौजवान हो, ईमानदार हो, बढ़िया बोलते हो, लेकिन वोट देते हुए घबराहट होती है कहीं भाजपा न जीत जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये मेरे साथ दो बार हुआ है। एक बार जब हम JNU के चुनाव लड़ रहे थे तब लोग यही कहता था कि दो तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, लड़ते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ABBP जीत जाएगा। तो हम बोले सुनो, वोट दोगे हमको तो जीत भाजपा कैसे जाएगा भाई? ये बात हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि हम नागरिक नहीं हैं। वो TV पे मार मुंह में स्नो पाउडर लगा करके शाम को जो आता है ब्रेकिंग न्यूज, लगता है सारा ज्ञान उसी के पास है, हम लोग तो कुछ नहीं है। सारा सरकार बना वही लोग रहा है, गिरा वही लोग रहा है, तो हम लोग क्या हैं? हमारे दिमाग में यह बात बिठा दी गई है कि हम नागरिक नहीं है, प्रजा हैं। वो लोग जो टीवी में तय कर देंगे वही होगा, ऐसा नहीं होता है। हम सबको जब यही कहना शुरू किए कि एक एक को कि वोट दोगे हमको तो जीत ABBP कैसे जाएगा, वोट दीजिएगा जब आप हमको तो जीत BJP कैसे जाएगा, मन में यह दुविधा नहीं रखिएगा। भाजपा को अगर हराना है तो भाजपा को हराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको हरा कौन रहा है, जो TV आपको बता रहा है उसको वोट दे देने से भाजपा नहीं हारेगी, यह बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। क्योंकि भाजपा सिर्फ चुनाव में खड़ा होने वाली एक पार्टी नहीं है, बल्कि इस देश में विभाजन के कगार पर वो स्थिति पैदा करने वाली विचारधारा है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर उस विचारधारा को आप हराना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति का भी चुनाव करना पड़ेगा जो मर जाए, कट जाए, जेल में बंद हो जाए, सूली पर चढ़ जाए, लेकिन भाजपा के सामने झुकेगा नहीं, भाजपा के सामने बिकेगा नहीं। इस बात को भी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और मैं, शाम का वक्त है, शैतान का नाम बार बार नहीं लेना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि किस पार्टी का लोग कहां जाकर के बिक रहा है इसके बारे में आपको मालूम है। एक दूगो इधर से भी उधर गए हैं, एक दूगो इधर से भी उधर गए हैं। तो मैंने एक कॉमरेड को पूछा जो कभी कॉमरेड हुआ करते थे और हमको मार्क्स लेनिन पे ज्ञान दिया करते थे, उसको हमने पूछा कि क्यों जी, ऐसा क्यों किए तुमने, अपनी विचारधारा और अपने ईमान से गद्दारी क्यों की? तो बोला TMC को शिक्षा देना चाहते थे। बांग्ला में शिक्षा देना ही बोलते हैं ना, सबक सिखाने को। बोला TMC को शिक्षा देना चाहते थे। हम बोले बड़ा कमाल बात है, TMC को शिक्षा देने के लिए तुम BJP में चले गए? लेफ्ट में रहते हम दोनों को बढ़िया से शिक्षा दे देते। जो लोग इस लड़ाई को छोड़ करके भागते हैं, वैसे लोगों के समर्थन में मैं आपके बीच बात रखने के लिए नहीं आया हूं। मैं वैसे लोगों के समर्थन में आपके बीच में बात रखने के लिए आया हूं कि हमारी लड़ाई चुनाव तक सीमित नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश को अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का भारत बनाने का लड़ाई है। इस बात को याद रखिएगा, हमारी लड़ाई राम के नाम पर नाथूराम की जो ये सत्ता स्थापित करते हैं उनके खिलाफ खुद ही राम बोस का देश बनाने का लड़ाई है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये धरती, ये मिदनापुर की धरती है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और खुद ही राम बोस की धरती है। ये वो धरती है जहां संस्कृति आपस में मिलती है, कारोबार आपस में मिलते हैं,
पैसे आपस में मिलते हैं। हर बदलाव की लड़ाई, हर विप्लव की शुरुआत मिदनापुर की इस धरती से हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली 27 तारीख को विप्लव का यह आगाज सैकत के रूप में आप लोग जरूर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और यह उम्मीद लेकर के वापस जाऊंगा कि जब 2 तारीख को रिजल्ट आएगी तो यह बात सुन करके हमारा मन गौरव से फल फूल जाना चाहिए कि मिर्जा गालिब ने ठीक कहा है, ये बंगाल की धरती है। ये 100 साल पीछे भी सोचते हैं, ये 100 साल आगे भी सोचते हैं। 100 साल इस देश का भविष्य क्या होगा, ये मुस्तकबिल आपके हाथ में है, ये मुस्तकबिल आपको तय करना होगा। बोलिए, मुस्तकबिल तय करेंगे कि नहीं करेंगे? इस देश को बांटने वाली शक्तियों को हराएंगे कि नहीं हराएंगे? और जब वोट करेंगे तो रोजी रोजगार के लिए करेंगे, अपने आत्मसम्मान के लिए करेंगे, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कमरेड कानाया कुमार के আমরা সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ লাল সালাম জানাচ্ছি। শুনলেন সকলে, আগামী 27 তারিখ সকাল সকাল গিয়ে 3 নম্বর গোদাম থেকে কাস্তে দিয়ে ভোট দিয়ে সৈন্যদেরকে জয় করুন আহ্বান জানিয়ে আজকে এই সবার কাজ এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করা হবে।